हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। आज मैं एक स्वीट रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि बची हुई बाटी या बची हुई रोटी से बना सकते हैं। इसे चूरमा भी कह सकते हैं, बट ये ऑथेंटिक चूरमा की रेसिपी से थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो बाटी यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने रात में बनाया था, और जो बच गई थी इसी का हम चूरमा बनाएंगे। इसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। 6 से 7 बादाम यूज़ करेंगे। 2 बड़े चम्मच चीनी यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं ग्राइंड करके यूज़ करूँगी, और 1 बड़ा चम्मच घी यूज़ किया है। सबसे पहले चीनी का पाउडर बना लेते हैं। उसको ग्राइंडर में ऐड किया और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बन गया है। ये रेसिपी मैं बची हुई बाटी से बना रही हूँ। अगर आपके घर में रोटी बची हुई है तो आप उसको तवे पे हल्का सा सेक के और ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। सेम ग्राइंडर में ऐड किया बादाम, इसका भी पाउडर बना लेंगे और इसको भी अलग बाउल में निकाल लेंगे। और थोड़े से बादाम को मैंने कट करके पीसेज में यूज़ किया है, और जो बाटी थी उसको मैंने ऐसे पीसेज में तोड़ लिया है। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बाटी अच्छे से टूट गई है, इसको ग्राइंडर में ऐड किया और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो पहले ये बाटी का जो चूरा है इसको अलग रख लेंगे बाउल में। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया, पैन में ऐड किया 1 चम्मच घी, और घी गरम हो गया उसमें ऐड किया जो बाटी का चूरा था, और इसको मैं 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो चुका है और जो चूरा है बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया और इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, और अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच चीनी का पाउडर डाल दिया। आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने पहले ही बंद कर दिया था चीनी डालने से पहले। तो देखिए हमारा चूरमा तैयार है, कितना फटाफट तैयार हो जाता है ये स्वीट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इसको मैंने कटे हुए बादाम से गार्निश कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।